Hello everyone and welcome in Let's Connect with Prerna. My today's live session is with Mrs. Sharmila Singh and I'm inviting her to join the session. Hi ma'am, good afternoon. Hello Prerna ji, good afternoon. How are you? I am good ma'am. So welcome everyone once again. I am live today with Mrs. Sharmila Singh, principal of Pioneer Montessori School, Lucknow. Welcome ma'am. Thank you Prerna ji. Everybody who is joining in right now, I welcome all of you. So ma'am, should we start with our session now? Yeah please, we can. Okay, ma'am, to begin with, I would like to first know that in your schools, the vaccination drive has been done or it's yet to start? It is done. Okay. So how was it, ma'am? Because I've been asking this. Yeah, it was good. I am so happy that all the students of that age group have taken vaccine and they all are vaccinated. Very nice. मैम, मैं आजकल जो इधर सेशंस ले रही हूँ अपने उसपे मैं एक बहुत ही एक पेरिनियल क्वेश्चन है विच आई आस्क एवरीवन. आई विल रिपीट द सेम क्वेश्चन आपसे. मैम, ये जो सडन स्विच है ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ऑनलाइन टू ऑफलाइन, एंड देन अगेन थोड़ा सा चीजें, यू नो, दे वर कमिंग बैक टू द नॉर्मल रूटीन, स्टूडेंट्स वर कमिंग टू द स्कूल्स एंड टीचर्स वर कमिंग, एंड एक मुझे एक माहौल होता है स्कूल के अंदर, एक हेल्दी एनवायरमेंट वेयर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दे आर ऑल टूगेदर, दे आर स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू द टीचर, दैट इज मिसिंग नाउ. सो अब फिर से लॉकडाउन का है, स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग. सो डज दिस इम्पैक्ट देयर मेंटल हेल्थ इज माई फर्स्ट क्वेश्चन. इसी में ही मैम आगे आई वुड लाइक टू आस्क दैट व्हाट रोल डज टीचर प्ले हियर सो दैट यू नो स्टूडेंट शुड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज वेयर दे आर, यू नो, वेयर दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड और दे आर फीलिंग वेरी नेगेटिव. यस मैम. यह प्रेरणा जी, सिचुएशन तो इस तरह की रही है कि बच्चों को काफी डिस्टरबेंस में है, नॉट टू चिल्ड्रन ओनली, एक्चुअली सभी बड़ों को भी काफी मेंटल प्रेशर रहा है. पर चूंकि अब इस सिचुएशन को 2 साल हो रहे हैं, एक सेशन निकल चुका है, तो जब पहली बार इस तरह की सिचुएशन थी तो उसमें सबके लिए बड़ा मुश्किल था जी. सब उस बीच में टीचर्स ने जब ऑनलाइन क्लासेस ली, जब बच्चों से बात की और ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया बच्चों ने, तो थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हुई थी. और जब फिर लास्ट अक्टूबर में स्कूल्स ओपन हुए तो बच्चों ने आना शुरू किया, थोड़ा स्कूल में आके उनको अच्छा लगा. लेकिन जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक गैप है, वो देखिए ऑनलाइन से तो पूरा नहीं हो सकता. ऑफलाइन आने के बाद जब बच्चे अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, अपने टीचर्स से मिलते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है. हालांकि आई विल से कि अभी जो ऑनलाइन शुरू हुआ है दोबारा फिर से, अब बच्चे थोड़ा यूज्ड हो गए हैं. अब वो अब उस उन चीजों से, टेक्नोलॉजी से, इवन टीचर्स के साथ भी, बच्चों और घर में जो माहौल एक तरह का बच्चों ने फेस किया है, घर में रहते हुए क्लासेस भी अटेंड करना, पेरेंट्स का भी एक प्रेशर और उधर से टीचर्स का भी, टेक्नोलॉजी के बारे में उतना अवेयर नहीं थे, तो उस समय प्रेशर ज्यादा था. मेंटल हेल्थ बच्चों की बहुत बिगड़ी थी. टीचर्स का एक काम तो यही था पहले कि उनको वो थोड़ा सा एक हेल्दी फील कराएं. पढ़ाई तो सेकेंडरी है, पहले ये फील कराएं कि आप इस समय खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. तो टीचर्स ने बहुत अच्छे से ये अपना काम किया और जब बच्चे स्कूल आए उनको बहुत अच्छा लगा. अभी सिचुएशन फिर से ऑनलाइन की है एंड आई फील कि इस समय बच्चे बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझ गए हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं टीचर्स के साथ भी. इवन पेरेंट्स भी अब बच्चों के साथ उतना प्रेशर में नहीं है कि आपको ऑनलाइन अटेंड करना है, उनको टेक्नोलॉजी सिखाना है. बच्चे फ्री हैं, अपने आप हैंडल कर रहे हैं चीज़ों. जब उसके बाद उनके ऑल्टरनेट डेज पे अगर कोई क्लास ऑनलाइन पे है तो हाउ इज द रिस्पॉन्स, लाइक द अटेंडेंस ऑफ द क्लास, हाउ डज इट गो? जब हाइब्रिड मोड की बात थी तो
बच्चों ने ऑफलाइन को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। जी ऑफलाइन अगर उनका उस दिन टर्न नहीं है तो ऑनलाइन में वो इतना इजी नहीं थे और उसको उन्होंने सीरियस नहीं लिया। हाइब्रिड मोड में फिर हम लोगों ने उस तरह का किया कि बच्चे क्लास में बैठे हैं और कुछ बच्चे जो नहीं आ रहे, कुछ बच्चों के पेरेंट्स को ये था कि वो नहीं भेजना चाह रहे थे एक्चुअली। राइट राइट जैसे अगर टर्न वाइज बुला रहे थे तो उसमें क्या था कि जो बच्चे स्कूल आ रहे थे और जिस दिन उनका टर्न नहीं होता था उस दिन वो ऑनलाइन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन जिन बच्चों का बिल्कुल आना नहीं हुआ, अपने उनके पेरेंट्स ने नहीं भेजा, वो हाइब्रिड मोड में ले रहे थे क्लासेस। और ऑफलाइन और जो स्कूल्स में क्लासेस थी बच्चों ने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया। राइट आई थिंक शर्मिला मैम, यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी कि इस कोविड के लॉकडाउन ने स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट हम सबको, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइफ जरूर बता दी है। बिकॉज आई सी व्हेन थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, स्टूडेंट्स वर वेरी रिलक्टेंट और वो उन्हें जब मन करता था तो यू नो दे यूज टू बंक द स्कूल, बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग टू द स्कूल एंड यू नो दे आर रियली मिसिंग द स्कूल लाइफ। या डेफिनेटली दे आर मिसिंग इट वेरी बैडली। इवन द टीचर्स, जब उनको भी लगता है कि वर्क फ्रॉम होम करना है तो बहुत डबल प्रेशर होता है, दे ऑल्सो फील कि स्कूल जाके ही हम लोगों को क्लासेस लेनी चाहिए। तो बच्चों को ये तो महसूस हो गया, इवन पेरेंट्स को भी ये फील हो गया कि स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये आजकल ये जो काउंसलर्स का रोल है स्कूल्स के अंदर, चाहे वो एकेडमिक काउंसलर्स हो चाहे वो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हो, सो अगर मैं आपके स्कूल की इन पर्टिकुलरली बात करूं, बिकॉज आई फील समहाउ जिस कोविड के इस यू नो पोस्ट लॉकडाउन एंड पोस्ट दिस कोविड सिनेरियो, अ लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर जो बच्चे कभी टीचर से बात नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, इनफैक्ट अपने पीयर ग्रुप में भी बात नहीं कर पाते जहां उन्हें एक एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो मैम बिल्कुल आपका यहाँ पे से क्या है कि अगर स्कूल्स के अंदर भी एक यू नो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हो जहां बच्चा बेझिझक जा सके, जो एक स्टूडेंट्स के अंदर एक मिथ है कि अगर आप एक साइकेट्रिक्स के पास या आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी काउंसलर के पास जाते हो तो आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है मैम। सो आई फील ये सोसाइटी का बनाया हुआ ही मिथ है और ये हम जैसे लोग ही इसको यू नो वी विल बी एबल टू ब्रेक इट। तो स्कूल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर शर्मिला मैम। सो इस तरीके के काउंसलर्स का हाउ डू यू लाइक द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क। या प्रेरणा जी, यू आर राइट। एक्चुअली जो काउंसलर्स होते हैं वो, उनका एक डेफिनेट वे होता है, उनके कुछ टेक्निक्स होती हैं जो वो बच्चों से उनकी प्रॉब्लम्स को निकलवा लेते हैं। राइट मैं ये राइट मानती हूँ कि स्कूल में आने के बाद बच्चों का और टीचर्स का एक ऐसा रिलेशन होता है कि बहुत से टीचर्स से बच्चे अपने मन की बात कह लेते हैं, फिर भी कुछ बातें जो उनके मन में कहीं दबी होती हैं जो शायद वो टीचर नहीं समझ पाती हैं, या कुछ टीचर्स समझ भी लेते हैं, मान लीजिए बच्चे शायद नहीं कहना चाहते होंगे, लेकिन जो काउंसलर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी टेक्निक्स डिफरेंट होती है। जी तो मुझे लगता है कि स्कूलों में काउंसलर्स होना बहुत जरूरी है, और कम से कम महीने में एक दो बार, 3 बार या वीकली एक बार बच्चों को ऐसा मौका जरूर मिलना चाहिए कि वो काउंसलर से अपनी बात कह सके, क्योंकि वो अगर बात अपनी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मन में दबी हुई चीजें उनको फ्यूचर में परेशान कर सकती है। बिल्कुल तो एक काउंसलर बिल्कुल होना इज वेरी नेसेसरी इन ऑल स्कूल्स। राइट राइट मैम, मैंने अभी जैसे एक बात बोली कि एक ये मिथ है ये सोसाइटी ने बनाई, या इनफैक्ट आई थिंक दैट यू नो बिटवीन अस दिस इज बीन डिस्कस्ड दैट अगर हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई बात करते हैं या हम ग्रीफ से रिलेटेड या हम वी आर नॉट फीलिंग गुड से रिलेटेड, यू नो जनरली लोग इसे बड़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और इसी वजह से यू नो इसका जो एक फर्दर डिस्कशन होना चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए वो रुक जाती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा कहता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड तो जनरली उसे जवाब मिलता है कोई बात नहीं कुछ अच्छा खा लो, कोई कुछ यू नो कोई नेटफ्लिक्स देख लो। बट आई फील कि ये अपने आप में ही मैम बहुत डीप क्वेश्चन है और एक बहुत ही डीप इमोशन है जो बच्चा बताने की, बच्चा क्या इनफैक्ट हम सब बड़े भी मैम
बिल्कुल तो बिल्कुल समझ यहाँ में। पे मैम आई वुड लाइक यू बीइंग अ प्रिंसिपल एंड मैनेजिंग सच अ यू नो मैनेजिंग अ लॉट ऑफ पीपल वेयर वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर, ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट का एज ग्रुप इज देयर, पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व एंड आई एम ऑन डेली बेसिस यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. मैम यहाँ पे वॉट डू यू से यू नो बिकॉज पीपल हु आर लिसनिंग टू अस एंड मे बी लेटर वेन दे विल यू नो वॉच द वीडियो, बिकॉज मेरी एक ही कोशिश रही है कोविड के टाइम पे मैम, ये जो मिथ बन गए हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ये जो मिथ बन गए हैं कि यू नो दिस इज नॉट राइट, दिस इज यू नो दिस इज गुड, दिस इज नॉट राइट, टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इशू इज नॉट राइट, लोग तुमको पागल समझेंगे. तो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है मैम, जिसमें हम और आप चाहे हम लगातार बात करें, चाहे हम रोज लोगों से बात करें, तब भी रहेगा. सो मैम वॉट आर योर कॉमेंट्स हियर कीपिंग दिस इन माइंड दैट गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट डजंट मीन दैट यू नो यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग. When we talk about the problems like this as about mental health, I feel कि ठीक है कि अगर हम बच्चे को कहीं और दिखा रहे हैं तो पेरेंट्स को या किसी को ये लगता है कि नहीं, सबको लगेगा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है और साइकेट्रिक के पास क्यों जाना है. क्यों जाना है बट इफ तुम्हें? द काउंसलर्स आर देयर इन द स्कूल तो वो समझ लेते हैं, क्योंकि एक रूटीन होता है उनके पास कि हाँ इस बीच में उनको बच्चों से बात करनी है, और वो बच्चों को भी नहीं इतना पता चलेगा कि या पेरेंट्स को या बाहर की सोसाइटी में कि कुछ प्रॉब्लम्स को कहीं डिस्कस किया जा रहा है. एंड अगर मैं अपनी बात करूं कि हम लोग कैसे इन चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं फेस रीडिंग कर लेती हूँ कई बार. जब बच्चों से बात होती है, बच्चों की कोई वो फेस से पता चल जाता है कई बार कि सिचुएशन कुछ और है, बच्चा कुछ और कह रहा है, बात कुछ और है, या हम लोगों के सामने नहीं कहना चाह रहा, तो उस चीज के हम लोग को लगता है कि नहीं, इसकी इस बात के अंदर तक जाना चाहिए, इसकी बिल्कुल मतलब तह तक पहुंचना जरूरी है कि ऐसी क्या सिचुएशन है कि इस तरह की बात आई है सामने. तो देखिए एक्सपीरियंस का तो फर्क पड़ता है, फिर हम लोग भी उसी माहौल से निकले, उस एज ग्रुप से निकले हैं, और उसके बाद इतने बच्चे बच्चों को देखते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सबका एक एक्सपीरियंस होता है, उसका बच्चों से बात करने पे असर पड़ता है. पर फिर भी मुझे लगता है कि जो अभी ये लोग अवेयर हुए हैं सोशल मीडिया की वजह से भी, तो मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा तो लोग अब जानने लगे हैं, थोड़ा लोग डिस्कस करने लगे हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर जाते हैं उन काउंसलर्स के पास, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. एंड इवन इन स्कूल ऑल्सो आई हैव सीन कि पेरेंट्स और बच्चे डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को. तो बहुत जरूरी है कि स्कूलों में जो काउंसलर होते हैं वो मतलब हर स्कूल में काउंसलर होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक दिस इज सो ट्रू शर्मिला मैम, जैसे आपने बताया जैसे यू नो दैट यू थिंक दैट आप फेस रीड कर लेते हैं, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आल्सो रियली मैटर्स कि आप बच्चे की बात करने के तरीके से, उसके एक्सप्रेशन से आप उसके इमोशंस या उसके अंदर क्या चल रहा है वो कई बार पता कर सकते समझ जा हैं. हियर आई वुड ओनली लाइक टू, इनफैक्ट वो सभी का ही मैसेज होगा मैम, आप भी यही बोलते हो कि अगर आपको कोई भी इस तरीके का स्टूडेंट या इस तरीके की सिचुएशन मिले तो उसको मजाक में या उसका मीम ना बना करके यू नो यू शुड डायरेक्ट दैट पर्सन टू द यू नो अथॉरिटीज, और मे बी टू समबडी हु कैन टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन. जी बिल्कुल. और देखिए हम लोग तो हमेशा यही सिखाते हैं ना कि किसी भी चीज का कभी मजाक तो उड़ाने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी भी परिस्थिति का, किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी एक्शन का. और हमेशा देखिए हर स्कूल में या हर टीचर्स या हर पेरेंट्स यही सिखाते हैं, तो एक माहौल वो भी रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो. और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ हमने देखा है कि कैसे एक अगर कोई बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूसरे उसके साथियों ने कैसे सपोर्ट किया है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बहुत ही वंडरफुल चीजें मैंने देखी हैं अपने स्कूल में जो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चों ने सपोर्ट किया है, राइट तो एक राइट आई माहौल थिंक ये बनाना भी होता है इसके मैम लिए. मजाक तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स हमें इस समय देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे मैम ये क्या बात कर रही है कि हम मजाक भी नहीं कर सकते. मजाक ठीक है, कुछ कोई ऐसा मजाक जिसमें एक एक अच्छा इंटेंशन हो, कोई ऐसा मजाक, कोई भी ऐसा मजाक जो सामने वाले बच्चे को नेगेटिव फील कराए, उसको बिल्कुल एक बिल्कुल मतलब वो दैट आई मजाक थिंक इज डिफरेंट कि किसी को वो बुरा लगे, कोई इसको सुन करके आपके बीच में बैठना बंद कर दे, वो मतलब वो समझ में आता है. कुछ हेल्दी जोक्स होते हैं, हेल्दी चीजें होती हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन अगर किसी को
किसी का दिल दुखी है, किसी को वो बुरा एग्जैक्टली लगे है, वो डिफरेंट है चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शर्मिला मैम, जो अभी करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है जिसपे ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट आर योर कमेंट्स दैट यू नो द स्कूल्स विल बी क्लोज या एवरीथिंग, लाइक जो एग्जाम्स है एवरीथिंग विल नाउ अगेन अनलाइक यू नो जो लास्ट ईयर हुआ या उससे पहले हुआ, क्या इट विल गो ऑन लाइक दिस, और यू आर यू फीलिंग दैट मे बी द पोस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव द सीनियर क्लासेस कैन कम बैक टू द स्कूल? प्रेरणा जी, आई विल से कि जब तक कोविड की सिचुएशन है तब तक रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क में हम लोग जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होंगे उसी को फॉलो करना चाहेंगे। बिल्कुल और चूंकि ऑनलाइन अब चीज़ें काफ़ी संभल गई हैं, हैबिचुअल हो गए हैं सब लोग, टीचर्स भी बच्चे भी, और अगर स्कूल ओपन भी होता है तो वो सीनियर्स के लिए, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, लेकिन बाकी के लिए तो हम लोगों को ऑनलाइन ही चलना होगा। और चूंकि सारी चीज़ें अब इतने अच्छे से सेट हैं तो ऑनलाइन में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आएगी। सेशन अभी राइट एंड हो ही रहा है, फाइनल एग्जाम्स की तैयारी भी ऑनलाइन के हिसाब से ही चल रही है। और अगर देखिए सीनियर स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन हो ही गया है तो अगर उनके लिए खुलता है तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ, पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ हम लोग फॉलो करेंगे। पर बिल्कुल पहले बच्चों की सेहत और कोविड के जो केसेस हैं वो कम हो, तब इसके बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जो कोर्स कंटेंट है सीनियर क्लासेस का, स्पेशली द बोर्ड क्लासेस का, विल इट रिमेन सेम या फिर गवर्नमेंट और मे बी द हायर अथॉरिटीज वुड डिसाइड समथिंग वेयर इन द कोर्स कंटेंट इज, यू नो, उसको थोड़ा कम करेंगे या लिमिटेड करेंगे? नहीं, वो काफी हद तक लिमिटेड कर दिया गया है और ओके पैटर्न भी काफी चेंज हुआ है। जैसे सीबीएसई में तो दो बोर्ड रखे गए हैं, एक बोर्ड अभी दिसंबर में बच्चों का हो चुका है, अभी सेकंड जी बोर्ड होगा तो उसकी प्रिपरेशंस चल रही हैं। तो बोर्ड चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई, आईएससी हो और सीबीएसई हो, सभी ने बच्चों को देखते हुए कोर्स लिमिटेड किया है। बाकी और पैटर्न ने भी चेंज किया है। ऑनलाइन एग्जाम्स का भी एक बार ये था कि अगर सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल होगी तो ऑनलाइन जी भी एग्जाम हो सकते हैं। तो ओके सबने बच्चों के लिए सोचा है, सारे बोर्ड ने सोचा है बच्चों के लिए। जी राइट राइट मैम, आई मीन इरिस्पेक्टिव लाइक कोविड इज गोइंग ऑन, अ लॉट ऑफ सीनियर क्लासेस स्टूडेंट्स वो कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं, जो एक प्री कोविड बैच है या पोस्ट कोविड बैच है, जो एक इस तरीके का कंपैरिजन है इन टर्म्स ऑफ देयर करियर ग्रोथ। सो व्हाट डू यू फील मैम, कि क्या इस तरीके की चीजों का, जो कोविड का एक सिनेरियो रहा है, तो जिन बच्चों ने पिछले साल या आप जो इस साल अपना क्लास 12 पास करेंगे, क्या उन्हें किसी भी तरीके से दे हैव बीन डिप्राइव्ड इन टर्म्स ऑफ देयर करियर ग्रोथ और मे बी करियर ऑप्शंस? Yeah, 100% दे आर डिप्राइव्ड, दे आर डिप्राइव्ड। एक्चुअली बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें 1-to-1 होती हैं, और स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें बिना स्कूल आए, बिना कोई बहुत मेहनत किए हुए, प्रैक्टिकल्स किए हुए, अब ये तो एक सब्स्टिट्यूट है एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस तो, बिल्कुल मैम बिल्कुल है ना। तो वो तो हमेशा ही बच्चों को प्रॉब्लम रहेगी। या ये कहिए कि जब वो आगे सीनियर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे या किसी कंपटीशन में जाते हैं तो उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें जब वो क्लास में पढ़ते थे तो साथ ही साथ तैयार टीचर्स करवाते रहते थे कि ठीक है ये आपका IIT के लिए हो गया, ये आपका नीट के लिए हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ऑनलाइन पे इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हो जाए, बहुत लिमिटेड चीज़ें ही हो जाए जो उनके कोर्स से रिलेटेड हैं, फिर कितना स्क्रीन टाइम होगा बच्चों का, बच्चों का एग्जैक्टली सरदर्द होने लगता है, आईज पे इफेक्ट है। तो देखिए उन बच्चों को ये तो हमेशा रहेगा, ये कोविड टाइम के बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट आई थिंक इन बच्चों को थोड़ा स्पेशल भी फील करना चाहिए दैट दे आर द बैच ऑफ 2020, 2021 एंड नाउ 2022। हाँ, उन्होंने सो कोई पेंडेमिक देखा है, वो उस लाइफ से गुजरे हैं, किस तरह की चीजें बिल्कुल उन्होंने देखी हैं, ये तो डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। जी शर्मिला मैम, बिफोर आई कंक्लूड माय कॉन्वर्सेशन विथ यू, योर मैसेज टू एवरीबडी हु इज वॉचिंग अस लाइव राइट नाउ? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी चीजें सामने हैं, जो भी सिचुएशन सामने हैं, उनको एक पॉजिटिव वे में लेकर के चलें,
बच्चों को स्पेशली जैसे टीचर्स देख रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे चीजें को सीख रहे हैं, वो इस कोविड-19 पैंडेमिक से उबर रहे हैं, तो पहले तो हमें उनको इस सिचुएशन से यूज टू कराना है, उनको एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करनी है। दूसरा, ये जो वैक्सीनेशन चल रहा है, मैं देख रही थी कि अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। मैं तो खुश हूँ कि मेरे बच्चों का 100% हो गया है हमारे स्कूल के, लेकिन अभी भी बहुत बच्चे हैं इस एज ग्रुप के जो 15 to 18 ब्रैकेट में आते हैं, वो बहुत अभी डर रहे हैं, पेरेंट्स भी डर रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ से डरे मत, क्योंकि सब बड़ों ने लगवा ली है, तो अब बच्चों को हमें सेफ्टी देनी है, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। तो वो वैक्सीन के लिए जरूर अपने बच्चों को लेकर जाएं, वैक्सीनेशन करवाए, ताकि आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे वो लड़ सके। और बिल्कुल एक अच्छा एटमोसफेयर देने की हम लोग कोशिश बच्चों को कर ही रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू हो चाहे ऑफलाइन हो। तो मेरा एक सजेशन सबको यही है, एक मैसेज यही है कि बच्चों को हेल्दी एटमोसफेयर दें और वैक्सीन जरूर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शर्मिला मैम, एंड इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू लाइक वर्चुअली, सो थैंक यू सो थैंक यू मच. सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड दिस इज माई फर्स्ट इंस्टाग्राम लाइव। टेक्नोलॉजी हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, एंड फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच शर्मिला मैम, ठीक है। यू, बाय बाय।